पूर्व नेता विपक्ष सुखपाल खैरा ने 1984 के सिख दंगों को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले जिसमें सज्जन कुमार व अन्य को उम्र कैद की सजा सुनाई है नाकाफी बताते हुए कहा कि 34 साल बाद आए इस फैसले से निराशा है, इसमें फांसी की सजा होनी चाहिए थी। और इसके साथ ही उन्होंने मध्य प्रदेश में कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाने को सिख दंगों के साथ जोड़कर कहा कि कमलनाथ भी इन दंगों के आरोपी हैं और उन्हें मुख्यमंत्री बना कांग्रेस ने एक बार फिर सिख समुदाय को आहत किया है। खैरा ने एक और ऐलान करते हुए कहा कि उनकी ओर से बनाया गया नया फ्रंट पंजाब के लोगों के लिए एक असरदार हो सकता है कि सहमति के बाद नया बना टकसाली अकाली दल भी उनके साथ आ जाए। खैरा ने प्रकाश सिंह बादल पर पंथ विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि जिस तरह बादल ने सिरसे वाले बाबा के साथ मिलकर पंथ का नुकसान किया है, उनसे फक कौम का खिताब वापस ले उन्हें फक्र शर्म का खिताब देना चाहिए। कपूरथला से सुरेंद्र सिंह बाबू की रिपोर्ट। देखो, इस फैसले का असं स्वागत करते हैं, परंतु ये बहुत सिंबॉलिक ते बहुत मियागर ते बहुत बिलेटेड जस्टिस है। 34 साल के इंतजार तो बाद अज हुण सज्जन कुमार नूं सज़ा हुई है। इस तरह के सैकड़े सज्जन कुमार उस वड्डे कतलेआम तो बाद 34 साल तो उन्होंने कोई सज़ा नहीं मिली। ये बहुत वड्डा एक इनजस्टिस होया वा, ना सिर्फ सिख कौम नाल पर मनुखता का कारण होया सी। कतलेआम होया हज़ारां लोगों का, टायर पा के साड़ दिते गए, औरतों के बलात्कार होए सीगे, परंतु 34 साल तो बेइंसाफी चलती हुई है। इसलिए साडा ये मनना वा कि ये एक काला धब्बा है भारत के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से, पार्लियामेंट के उत्ते और बतौर देश। इसलिए जिनी छेती हो सके बकाया दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए आ। और कमलनाथ को जिहड़ा कांग्रेस ने चीफ मिनिस्टर बनाया मध्य प्रदेश का, इहदा मतलब है कि कांग्रेस ने कोई सबक नहीं सीखा पुराने इस सारे दौर चों। और एक एंटी पंजाब एंटी सिख जिस व्यक्ति ने जिस व्यक्ति का नानावती कमीशन दे विच रिपोर्ट है नाम है, जिस व्यक्ति का नाम मिस्टर संजय सूरी जिहड़े जर्नलिस्ट से इंडियन एक्सप्रेस से जिहड़ा आई विटनेस अकाउंट है 1984 सिख कतलेआम का, रकाबगंज साहब गुरुद्वारा के बाहर वो देखा गया सीगा मॉब दे नाल सीगा, उन्होंने उसकी तस्दीक उसनू पुलिस के कमिश्नर मिस्टर कॉल जिहड़े रिटायर हुए उन्होंने तस्दीक किया। इसलिए इस तरह के आदमी नू चीफ मिनिस्टर बना के कांग्रेस ने एक बार फिर सिखां दे जख्मां दे उत्ते नमक छिड़कन दे वाली गल की आ। साडी ये मंग आ कि ये जिन्ने भी दोषी ने उन्होंने छेती तो छेती फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बना के उन्होंने सज़ा मिलनी चाहिए आ, वरना मैं समझदा कि बहुत वड्डा बहुत वड्डी बेइंसाफी आ गुरु नानक नाम लेवा ना पंजाबियों नाल ते सिखां दा। टकसाली अकालिया बारे तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो सा अपना गठजोड़ तैयार किया पंजाब जमहूरी गठजोड़ पंजाब डेमोक्रेटिक अलायंस, ये अवश्य जोड़ा एक खलाओ है पंजाब की राजनीति में, जोड़ा करप्ट पार्टिया ने लुटिया तो कुटिया पंजाब नूं, ते ट्रेडिशनल पार्टीज़ और फ्यूडल परिवारों ने कैप्टन ते बादल ने जो अज पंजाब दा दी मंदहाली की आ, साडा जिहड़ा गठजोड़ है उस खलाओ नूं भरन दा पुरजोर कोशिश करेगी। और पंजाब नूं इन्हां दीआं माड़ियां नीतियां और जो भ्रिष्टाचार ते जो किसानां दी आत्महत्या ते जो कर्जा चढ़ाया पंजाब सरकार ते और जो नशा ते जो एजुकेशन हेल्थ केयर दा कारण होया, ये सारे इशूज़ दा सुधार करन वास्ते इन्हां दोनों रवायती पार्टियों तो पंजाब नूं निजात दिवाउण वास्ते असीं इह पंजाब जमहूरी गठजोड़ यानी कि पंजाब डेमोक्रेटिक अलायंस कायम किया वा। आने वाले दिनों असीं अपने इस गठजोड़ विच मशवरा सलाह करांगे और अगर सलाह मशवरा साडा भी बन गया तो फिर असीं जिहड़े टकसाली अकाली ने उन्हां दे नाल बैठ के विचार विमर्श करांगे। मैं तो असीं तो उदन मते भी पास कराए ने स्टेज तो और पहला भी तलवंडी साबो च भी मता पास कराया सीगा कि अकाल तख्त जथेदार नूं ये फकरे कौम का जिहड़ा खिताब है ये वापस लेना चाहिए उन्होंने, क्योंकि जो कुछ जिन्ना एंटी पंथ ते एंटी पंजाब ते एंटी सिख जो रोल रहा अकालिया का पिछले 10 साल जिस ढंग के नाल गुरु ग्रंथ साहब के दोषियों को बचाया इन्होंने महज एक डेरे के नाल सौदा करके वोटों की खातिर और जो बैबल कलां के कातलों अज तक नहीं किसी ने फड़िया और अकालिया ने बादल की सरकार दोषी पुलिस वाले बचाया
ਇਹ ਫਕਰੇ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮੇ ਕੌਮ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਵਾਕਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਮੀਜੀਏਟਲੀ ਫਕਰੇ ਕੌਮ ਦਾ ਇਹ ਖਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ